से पहले बात करेंगे देहरादून की अंकिता भंडारी की प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और प्रोविजनल रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान साथ ही और डूबने से मौत की खबर जो है सामने आई थी। प्रोविजनल रिपोर्ट के अनुसार जो है इसमें चोट के निशान पाए गए हैं शरीर पर, डूबने से दम घुटने से मौत बताई गई। फाइनल रिपोर्ट का हालांकि अभी इंतजार करना होगा, 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा। ऋषिकेश एम्स में अंकिता के शव का पोस्टमार्टम कल हुआ और कल भी जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी उसके जरिए साफ जाहिर था कि लोगों में गुस्सा है और वो चाहते हैं लोग सिर्फ इंसाफ होना चाहिए। ऋषिकेश की बेटी के साथ आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। रिपोर्ट की बात की जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और एम्स के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ वहां पर नजर आई थी और लोग डटे रहे थे, यहां तक कि विधायक की गाड़ी के शीशे भी फोड़ दिए गए थे। लेकिन प्रोविजनल रिपोर्ट जो निकलकर सामने आई उसमें साफ तौर पर यह अंकित किया गया है कि शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं और डूबने की वजह से दम घुटने से अंकिता की मौत हुई।